जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बताने वाला हूँ वो शत्रु की बुद्धि को स्तंभित करने का प्रयोग मैं आपको बताऊँगा। देखिए, होता क्या है कि ये जो सांसारिक रूप से जो हमारी जिंदगी है उसमें आपके मित्र भी हैं और आपके शत्रु भी बहुत हैं। पग पग पर शत्रुता तो मिल ही जाएगी। कोई सामने से वार करता है, कोई पीठ पीछे वार करता है, कोई शत्रु सामने होता है तो कोई छुपे हुए शत्रु होते हैं। अब शत्रु कैसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छी प्रकार से नौकरी पर हैं, या फिर आप का कारोबार अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, तो आपके शत्रु ज़्यादा से ज़्यादा होना लाजमी है, ज़रूरी है, हो ही जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो व्यक्ति है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है, दूसरे के कारोबार से दुखी है। अपना उसका चले या ना चले वो तो बात छोड़ दो, लेकिन दूसरे का जो है ना वो उसको लेकर के परेशान है कि भाई ये क्यों अपना कारोबार चला रखा है। होता है, ऐसा ही होता है पूरी ज़िंदगी में। आप यहाँ पर नहीं, मैं तो खैर देखिए, जो आप तो जो आपका सर्किल है, जो आपका परिवार है या फिर मोहल्ला है, पड़ोस है, वो तो व्यक्ति आपको जानते हैं। चलो ठीक है, उनका आपस में उलझना तो ठीक है, जायज भी है, वहाँ शत्रुता हो भी सकती है क्योंकि वो आपको एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं तो उस चीज़ को लेकर के भी बहुत परेशान हूँ भैया कि यूट्यूब पर भी बहुत बड़ी बड़ी शत्रुताएँ हैं। देखिए, कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहा है, खैर मैं एक बात मानता हूँ, कुछ लोग गलत करते हैं तो वो गलत नहीं उनको करना चाहिए, वो तो खैर गलत है ही, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर के भी दुखी रहते हैं कि दूसरे का यूट्यूब चैनल क्यों चल रहा है, ये वहाँ भी शत्रुता है। अब क्या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कैसी इस जो संसार में कैसी व्यक्ति की बुद्धि हो गई है, कैसी उसकी मानसिकता हो गई है कि भाई जिस व्यक्ति को उसने कभी देखा नहीं है, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, कितनी दूर का रहने वाला है, अगर वो कोई भी वर्क उस पर कर रहा है तो उसके वहाँ पर भी शत्रु पैदा हो जाएंगे और बराबर कोशिश करेंगे, येन केन कारणे कुछ भी उनको करना पड़े, लेकिन उसको कहीं बदनाम करने की कोशिश करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हालांकि वो उसको जानते तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता ही इतनी खराब हो चुकी है। अगर ये मानसिकता उनकी सही हो जाए, अगर इससे भी ऊपर उभर जाएं इस ईर्ष्यालु जिंदगी से, तो फिर वो इंसान ही ना बन जाए। एक आचरण शुद्ध हो तो शक्तियां तो खुद ही प्राप्त हो जाती हैं। आचरण अगर अशुद्ध है, आपके अंदर मैल मिट्टी भरी हुई है, तो कितना भी कोशिश कर लेना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो पर्सनल जिंदगी है वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो प्रयोग है इसमें क्या करना होता है कि व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में गलत बोलता है, तो अब ऐसी स्थिति में ऐसा क्या किया जाए कि शत्रु वो बिल्कुल भी आपका आपके बारे में कुछ बोले ना, आपके प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या ना रखे, उसकी ईर्ष्या उसके हृदय से खत्म हो जाए, शत्रुता अंदर से खत्म हो जाए। शत्रु को अपने सामने रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी भी, क्योंकि उसकी हत्या का पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा, भले ही चाहे उसने कितना भी गलत किया है। तो इसलिए शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए, शत्रु को सामने रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो सुधर जाए, चाहे आपको तंत्र क्रिया करनी पड़े या कुछ भी आपको करना पड़े, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सुधर जाए हमारे प्रति, बस। ठीक है,
तो अब मैं आपको इसी प्रकार का तंत्र प्रयोग बताऊंगा कि जिससे कि आपके शत्रु की बुद्धि स्तंभित हो जाएगी और वो आपके प्रति कुछ नहीं बोल पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसकी वो पागल हो जाएगा, जीवन में पागल नहीं होगा वो, लेकिन आपके विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाएगा। आपके विरुद्ध जो भी वो षड्यंत्र करता है या गलत बोलता है दूसरे लोगों से, वो नहीं कहेगा वो आपको एक प्रकार से अलग हट जाएगा, आपसे भूल सा जाएगा आपको, मन उसका जो हृदय है उसका परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस प्रकार से आपको पहले साधना करनी है फिर उसका प्रयोग करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इस प्रयोग के अंदर आपको छह, तो आपको हकीक पत्थर चाहिए, जो हकीक पत्थर होते हैं वो छह होने चाहिए, ठीक है, और एक शंखमाला, और ये दोनों ही चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और देखिए, ऐसी सामग्री के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, अगर आप चाहते हैं ऐसी सामग्री तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ लोग खैर मुझे बोलते हैं कि भाई आप तो सामग्री देते हो, ये करते हो, वो करते हो, खैर मैं उन चीज़ों पर देखो बिलीव नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका तो काम है बोलने का, वो बोलेंगे, और जिसको जो जैसा जिसका जैसा मतलब व्यवहार होता है ना, जैसी जिसकी बुद्धि होती है वो वैसा ही सोचता है, तो उस बारे में तो खैर कमेंट करना बेकार है। खैर ये दोनों सामग्रियां आप प्राप्त करें, और उसके साथ साथ आपको एक जल का पात्र, एक तेल का दीपक, लोबान या धूप अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो रख सकते हैं, ठीक है। और इस साधना को आपको किसी भी कृष्ण पक्ष में आपको शुरू करना है। कृष्ण पक्ष का मतलब कि पूर्णिमा जब आ जाए उसके बाद जो 15 दिन होंगे उनमें आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, या फिर शनिवार को भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये रात्रि को ही करना है, रात्रि के किसी भी समय शुरू करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपने साधना 9 बजे शुरू की है पहले दिन, तो फिर आपको रोज़ पहले दिन मतलब कि जो पहले दिन शुरू की है 9 बजे, तो रोज़ आपको 9 बजे ही शुरू करनी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और ये साधना आप 11 दिन की करें, ठीक है, 11 दिन आपको ये साधना करनी है। पहले काले रंग का सूती आसन होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठेंगे। जब इतना सामग्री आप जुटा लें तो इस साधना को अब आपको शुरू करना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाएं, और अपने पूजा घर में करें या एकांत कक्ष में कहीं भी आप कर सकते हैं, और कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन में आप इसको शुरू कर सकते हैं। नीचे काला आसन डाल लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। सामने गुरु चित्र जरूर रखें और भगवान शिव का चित्र रख लें, ठीक है, और जिनके गुरु ही भगवान शिव हैं तो वो शिव का ही चित्र रख लें। और देखिए आपको क्या करना है कि काले वस्त्र ही इसमें धारण करने हैं, काले रंग के वस्त्र हों, काला आसन हो, सब कुछ आपका काला होना चाहिए, और काले रंग का ही आप चौकी पर एक वस्त्र बिछा लें और उस पर तेल का दीपक लगा लें, भगवान शिव की प्रतिमा रख लें, और अगर गुरु आपके कोई हैं भगवान शिव से अलग हैं, कोई देहधारी गुरु हैं तो उनकी भी तस्वीर आप पास में ही रख लें। और देखिए ये साधना आपको 11 दिन करनी है, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने सामने जो जो चौकी बिछाई है उस पर जो आपने कपड़ा बिछाया है, अगर काले रंग का बिछाया है तो आपको सफ़ेद रंग से आपको वो यंत्र बनाना है, और अगर आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाया है, देखिए अगर सफ़ेद रंग का बिछाया है तो आपको क्या करना है, काजल से एक उस पर यंत्र बनाना है। यंत्र का मैं फोटो आपको दे रहा हूँ, वो वीडियो में ही दे रहा हूँ, और जो मैंने वीडियो में फ़ोटो दिया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको वो यंत्र उस पर बनाना है। जब आप यंत्र उस पर वो बना लेंगे तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर जो हकीक पत्थर हैं वो 5 हकीक पत्थर आपको उसके ऊपर रख देने हैं, ठीक है, और उनको एक सीध में रखेंगे आप, मतलब कि लाइन में रखने हैं आपको। अब आप किसी भी तरीके से रखें उसको लाइन में, लेकिन लाइन में रखने हैं बराबर बराबर, ठीक है।
चाहे ऊपर से नीचे की तरफ रखें या दाएं से बाएं की तरफ रखें, लेकिन लाइन में होने चाहिए वो पांचों पत्थर। और जो एक जो आपके पास में हकीक पत्थर बचेगा, उसको उन पत्थरों के जो आपने लाइन में रखे उसके आगे रख देना चाहिए, ठीक है। पांच लाइन में एक उसके आगे, मतलब कि अगर आपने लाइन दाहिनी तरफ से राइट मतलब लेफ्ट हैंड से और दाहिनी तरफ की तरफ बनाई है, तो उसको उनके नीचे रख दें एक पत्थर जो बचेगा। और उस पत्थर पर या तो अपने शत्रु का नाम लिखें जिसकी भी आपको बुद्धि को स्तंभित करना है, क्योंकि अब आपको पता है शत्रु की, तो आप उस पर नाम लिख सकते हैं उस पत्थर के ऊपर। अगर पत्थर छोटा है उस पर नाम नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि कुमकुम लेकर के और थोड़ा पानी मिला करके उसमें, और उस जो हकीक का पत्थर है वो छटा, उस पर शत्रु का नाम लेते हुए उस पर एक बिंदी लगा दे बस, ठीक है। और तेल का दीपक जला दें, सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी जला दें, और अगर पुष्प ले लें तो वो भी अच्छा है, जित चावल ले लें तो वो भी अच्छा है, एक छोटा सा गिलास या लोटा भर के जल का रख लें पास में ही। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अब अगर आपने किसी देहधारी व्यक्ति को गुरु बनाया है, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तो उनका आप पूजन करेंगे, पुष्प से उनको टीका लगाएंगे कुमकुम से, और चावल चढ़ाएंगे और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप, और उनसे आज्ञा लेकर के फिर आप एक माला गुरु मंत्र की जरूर करें, और ये प्रतिदिन ही करना है आपको। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव को ही गुरु के रूप में पूजन करेंगे, और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, और भगवान शिव से भी प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। जब आप इतना कर लेंगे, और ये कार्य आपको प्रतिदिन ही करना है, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही करना है, प्रतिदिन करना है ये। हाँ, जो आपने हकीक पत्थर पर जो बिंदी लगाई है वो आपको केवल पहले दिन ही लगानी है, या शत्रु का नाम लिखा है वो आपको केवल पहले दिन ही आपको करना है। और उसके बाद फिर आपको 11 माला का मंत्र जाप करना है, और जो माला है मैंने आपको बताई है कि जो शंख माला है उससे आपको जाप करना है। अब वो मंत्र कौन सा है मैं उसको बता देता हूँ आपको। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धि स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला का आपको जाप करना है, ठीक है, और ये 11 दिन लगातार करना है आपको। और जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर आपको क्या करना है कि जो हकीक पत्थर है, जो छठा हकीक पत्थर है, उस पत्थर पर आप फूंक मारेंगे लास्ट में 21 बार मंत्र पढ़ करके, और उस पत्थर पर फूंक मार के, मान लिया कि आपकी 11 माला पूरी हो गई, साधना समाप्त हो गई, फिर उसके बाद आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है यही, और उस जिस पर आपने बिंदी लगाई है या नाम लिखा है उस हकीक पत्थर पर आपको फूंक मारनी है। तो जो भी संबंध जो भी आपका शत्रु होगा, जो भी इससे संबंधित होगा, मतलब कि जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम लिख करके लेकर के आपने बिंदी लगाई है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो स्तंभित हो जाएगी। और जो ये पत्थर आप प्रयुक्त इसमें करेंगे वो सिर्फ आपको एक ही बार आपको आपका इसको प्रयोग करेंगे, और एक बार प्रयोग करने के बाद उन सभी हकीक पत्थरों को, ठीक है, और माला को आप उसी काले कपड़े में बांध करके और कहीं भी जमीन में गाड़ दें उसको, ठीक है। तो जब आप उसको जमीन में गाड़ देंगे कहीं पर भी, और सुनसान एरिया में गाड़ें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद उस व्यक्ति के मन में सुधार आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धि का स्तंभन का जो अर्थ है ना, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देना होता है, तो वो आपके प्रति कुछ भी नहीं बोल पाएगा वो शत्रु, उसकी बुद्धि का स्तंभन हो जाएगा, ठीक है। और ये आप कुछ दिनों के अंतराल के बाद आप देखेंगे, क्योंकि अब आप साधना आपने अभी की है तो एकदम से तो कार्य नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी शत्रु को आप स्तंभित कर सकते हैं कि वो आपके बारे में कुछ भी ना बोले, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ना करे वो, ठीक है। और इसमें 11 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करना है कि भाई आप किसी का ईर्ष्या ना करें, किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष ना रखें, इतने साधना करें जब तक आपकी 11 दिन की साधना पूरी हो, ठीक है। और जो शत्रु है उसको अपने माइंड में रखना है आपको कि इसकी बुद्धि स्तंभित हो रही है, ऐसा आप सोचते हुए मन में तब आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करें तो इसमें आपको लाभ होगा और बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।